बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए पोटैटो वेजेस की रेसिपी लेके आ रही हूँ, जो कि बच्चों की बहुत फेवरेट है और ये झटपट बन जाते हैं। इवनिंग स्नैक में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये अब मैं स्टार्ट करती हूँ। इनको आपने हाफ करना है। आलू को जो ज़्यादा मोटा होगा उसके आपने 3 हिस्से काट लेने हैं, क्योंकि ये मोटे होते हैं वेजेस। ठीक है, अब ये इतना मोटा नहीं है, इसको मैं सेंटर से काट लूँगी। ये मैंने पहले भी थोड़े से काट के रखे हुए थे, ये देखें इस तरह। अब इन सबको मैं बाउल में डाल रही हूँ। अब हम इसमें पानी डालेंगे इतना कि जिसमें ये डिप हो जाए, और इसको मैं 15-20 मिनट के लिए इसी में डिप रखूँगी, ताकि इनका स्टार्च जो है वो अच्छी तरह निकल जाए। यह 15-20 मिनट हो गए इनको डिप हुए। अब मैं इनको स्ट्रेन कर लेती हूँ टोकरी में, फिर मैं उसके बाद बताती जी। तो दोस्तों, ये मैंने पानी गर्म होना रखा था, बॉयल नहीं करना, सिर्फ लाइट लाइट से बबल्स बन जाएं। तो ये जो मैंने आलू जो काटे थे वेजिस के, वो मैं इसमें डाल दूँगी, और सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैंने पानी में रखना है जी। तो दोस्तों, इनको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल किया है। अब मैं इसका मिक्सर बनाऊंगी, जो इसको हमने कोट करना है। अब मैं इसका मिक्सर तैयार करने लगी हूँ। 1/2 कप मैदा, 1 चम्मच इसमें नमक जाएगा। आप इसमें पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं अगर अवेलेबल है आपके पास तो, अदरवाइज़ आप इसमें रेड चिली डाल सकते हैं 1/2 टीस्पून। इनको हम पहले मिक्स करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी हम कंसिस्टेंसी तैयार करेंगे। या अब इसका मिक्सचर रेडी हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, इस तरह की होनी चाहिए, ना ज़्यादा थिन हो ना ज़्यादा थिक हो। अब हम इसमें वेजिस डाल देंगे और इसको अच्छी तरह हमने कोट करना है मिक्सचर के साथ। इनको कोट कर लिया मैंने अच्छी तरह से, ये देखिए। अब हम ये एक एक करके इसको फ्राई करेंगे। यह फ्राई हो चुके हैं वेजिस, ये देखें क्रिस्पी से। अब मैं इसकी ये सॉस रेडी करूँगी। बटर मैंने 1 टेबल स्पून रखा है, इसको हम मेल्ट करेंगे। मेल्ट करके फिर इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है। पूरा मेल्ट हो गया। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन डाल दूँगी। आप इसको चॉप भी कर सकते हैं, कूट भी सकते हैं, लेकिन पेस्ट नहीं आपने ऐड करनी। ये बस थोड़ा सा सोते होता है, फिर मैं इसमें नमक मिर्च डालूँगी फ्लेम बंद करके। लहसुन सोते हो गया थोड़ा सा। अब मैं इसमें कुटी लाल मिर्च डालूँगी। एक फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, ये 1 टीस्पून के बराबर है कुटी लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून है ज़ीरा, और ये थोड़ा सा मैं इसमें धनिया ऐड कर दूँगी। अब इसको हम मिक्स करेंगे। और साथ ही ये जो वेजेस मैंने फ्राई किए थे वो हम डाल देंगे। इनको अच्छी तरह हम इसमें कोट कर देंगे। अब ये हमारे वेजेस रेडी हैं, ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। ये देखें, ये जो हमने लहसुन का बनाया था उसके साथ जो कोट किया है, उससे ज़बरदस्त टेस्ट आ गया। ये देखें, आप इसको बनाए ज़रूर, और ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा। बहुत मज़े किए हैं।